हरिद्वार में नगर निगम द्वारा हर की पौड़ी के साथ कई घाटों पर फूल बेचने का ठेका दिए जाने के बाद फूल और प्रसाद बेचने वाले छोटे व्यापारियों ने ठेका का विरोध किया। विरोध कर रहे व्यापारियों का कहना है कि छोटा व्यापार कर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं, लेकिन निगम के इस फैसले के बाद उनके सामने काफी परेशानी आ रही है। अपना थोड़ा काम करते थे प्रसाद कैन और हम लोग फूल बेचते हैं, तो यहाँ पे निगम का ठेका कभी भी नहीं हुआ करता था। इस बार उन्होंने निगम का ठेका दे दिया, कम से कम 1000 परिवार यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे। मैं भी एक लड़की हूँ, कम से कम 30-32 साल हो गए हम लोगों को हरिद्वार में। मैं भी प्रसाद बेच के अपना जीवन यापन करती हूँ, बीए करी हुई है, पर मैं कोई रोजगार वैसा नहीं है, बस सिर्फ मैं प्रसाद ही बेचती हूँ। इतनी बुजुर्ग महिलाएं हैं यहाँ पे, अगर उन्हें हम समझाते हैं तो वो कहती हैं हम गंगा जी में डूब जाएंगे। और छोटे स्तर से लेके और बड़े स्तर तक के सब लोग यहाँ पे जितने भी हैं, क्या मांगे? हमारी ये मांग है भैया, हमारी ये मांग है कि ये फूलों का ठेका रद्द कर दिया जाए। गौरतलब है कि हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत कई स्थानों पर छोटे छोटे व्यापारी हाथ ठेली पटरी और छोटी छोटी दुकानें लगाकर व्यापार करते हैं, लेकिन अब फूल का व्यापार करने वाले इन व्यापारियों पर ठेका प्रथा लागू हो जाने से बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।